गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और अभी काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाला है, तो अब हम चाहते हैं कि आप लोग फीडबैक दें। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पाइना बायफिडा के बारे में। स्पाइना बायफिडा जो होता है वो एक कंडीशन है और ये कंडीशन विटामिन B12 कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय जब मदर को कमी हो जाती है, यानी जिस महिला को बच्चा होने वाला है उसे विटामिन B12 और या उसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, यदि वो ना मिले तो वो उसकी कमी से जो है स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्पाइन में फोड़ा सा यानी गोल उभार सा रहता है या स्पॉट रहता है और वो उसके बाद वो फट भी जाता है, तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी के बाद जनरली पाया जाता है कि कोई कुछ नर्व्स डैमेज ज़रूर होती है। वो नर्व्स डैमेज होने के कारण बच्चे के जो दोनों पैर हैं वो काम नहीं करते, उनमें सेंसेशन भी नहीं आता है, ठंडा गर्म महसूस नहीं होता है, साथ ही पेशाब और लैट्रिन का नियंत्रण यानी ब्लैडर बॉल कंट्रोल भी नहीं होता है, धीमे धीमे पेशाब निकलती रहती है और ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो जाती है। इसमें थेरेपी का महत्व है, इसमें थेरेपी के द्वारा बच्चे को ऑर्थोटिक एड्स पहनाकर चलाया जा सकता है, खासतौर से HKFO हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस बोलते हैं, HKFO के द्वारा हम बच्चे को चला सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेंसरी असेसमेंट करके उसका ये पता लगा सकते हैं कि वो किस भाग तक महसूस कर रहा है ताकि उसको अलर्ट रखें। यानी अगर कभी बच्चा कहीं हीटर के पास बैठा है ब्लोअर सर्दियों में, ध्यान रखें उसका पैर वहाँ से दूर रहे। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं तो बर्न केस हो गए हैं, जल गया पैर, बच्चों महसूस ही नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होता है कि बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज और उसका पूरा ध्यान और पेशाब और डाइट्रिंग के नियंत्रण के लिए, वो नियंत्रण तो नहीं हो पाता है तो हम उसमें डाइपर का यूज़ कर सकते हैं या टॉयलेट चार्ट के द्वारा उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ बच्चे आपके पास हैं, आपके नॉलेज में हैं, तो हमें बताइए, हम उनको थेरेपी असेसमेंट प्रोग्राम दे सकते हैं, समझा सकते हैं, लाइव दे सकते हैं और भी जिसमें जो आवश्यकताएँ होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सच अ लॉन्ग टाइम वी आर अगेन मीटिंग। तो आप स्पाइना बायफिडा के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमें लिखिए, बताइए। थैंक यू वेरी मच।